बनारस से और अयोध्या से हमारे बैच जितने हैं वे लोग आ रहे हैं। ये आज कलयुग में हनुमान जी ही प्रत्यक्ष देवता है और किसी का अंदर एक रुपया दान करे वो भी खुशी की बात है, जिस जग में एक रुपया दान करके वो। जय श्री राम दोस्तों, हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग खड़ा हुए हैं और उसके पीछे जो आप एक देख सकते हैं कि यज्ञशाला का मंडप लगा हुआ है। और ये कहाँ लगा हुआ है, किस लिए लगा हुआ है, आप लोग को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहना। तो अभी हम हैं अपने ही गाँव में, जिस गाँव का नाम है मोछी नयन और ये जो है चनपटिया प्रखंड में आता है। ये 9, 10 और 8 ये वार्ड में पड़ता है ये मंदिर। और इसी मंदिर में जो है यहाँ पे जो है हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। यहाँ पे एक मूर्ति बैठाया जाएगा हनुमान जी का, तो उसी के लेकर के ये जो है आप लोग पीछे देख रहे हैं यज्ञशाला बना हुआ है। और ये कब से चालू होगा आप लोगों से बता देते, 7 मार्च से जो है ये चालू होगा। और कलश यात्रा 7 मार्च को ना है, कलश यात्रा जो है 7 मार्च को ही है। अगर आप सब आना चाहते हैं तो इसमें जरूर आए। और आप सबको मैं हमारे गाँव के जितने भी सदस्य हैं, जो समिति के लोग हैं, कार्यकर्ता इसमें का, उन लोगों से मैं आप सबसे परिचय आता हूं, मिलाता हूं कि क्या सब तैयारी है और क्या क्या इसमें आने वाले हैं लोग, और क्या मतलब यहाँ पे मेला वेला लगने वाला है, बड़े बड़े झूला आता है वो सब भी आने वाला है कि नहीं है। आइए आप सबको हम पूछ के मिलाते हैं। तो आप लोग बताइए कि यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, कब से होने वाला है, कोई बताएंगे? बताइए। 7 मार्च का जो है, मतलब 2024 में 7 मार्च जो अभी आने वाला है, उसी दिन जो है कलश यात्रा है। और इसमें क्या क्या दूर दूर से आने वाले हैं, मतलब खिलाड़ी वाली या फिर प्रोग्राम वोग्राम कुछ, रामलीला झूला सारा मतलब व्यवस्था है यहाँ पे, परचून वर्चून का सब दुकान लगेगा, सब प्रोग्राम के व्यवस्था है यहाँ पे, खाने वाने का दूर से जो लोग आने का व्यवस्था पूरा है, और मंडली वंडली सब का सारा। कहाँ से कौन कौन आ रहे हैं थोड़ा बताइए। रामलीला प्रोग्राम कहाँ का है? धनारदुर्ग का रामलीला प्रोग्राम हो रहा है और वहाँ से आ रहा है। और झूला उला का सब कुछ को हम लोग बोले हैं, आने वाला है सब, 28-29 तारीख को गिर जाएगा सामान वामान, यहाँ झूला उला लगेगा। और जल यात्रा 7 तारीख को तो है, 7 तारीख को जल यात्रा होगा, हनुमत प्राण प्रतिष्ठा ये महायज्ञ हो रहा है। और जो जो दूर से आने वाले हैं, जो जो भक्तगण हैं, उसको खाने पीने के लिए रहने के लिए सब व्यवस्था किया गया है यहाँ पे। तो मैं ये चाहूँगा कि जहाँ तक ये जाए, जितने भक्तगण सुने ये सब बात को, मेला का शोभा बढ़ाने का कष्ट करें, यहाँ पे सब किसी का स्वागत है। ये देखिए पंडित जी हैं, ये कुछ बताना चाहते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउ रघुबर विमल जसो जो दायक फलुचार। हमारे पंडित लोग इलाहाबाद से और बनारस से और अयोध्या से हमारे बैच जितने हैं वे लोग आ रहे हैं इस जग का जग कराने हेतु। वे लोग जग का शोभा बढ़ाएंगे और इस गांव को कल्याण हेतु आशीर्वाद देंगे। कब से ये चालू होगा? यह जग का जल यात्रा 7 तारीख का है और 7 मार्च को और संपन्न 13 तारीख को होगा। अच्छा, यानी 7 रोज का यह जग है। 7 रोज का जग है। कितना कलश यात्रा होगा इसमें? इसमें 251 से जितना बढ़ जाए, यानी 551 तक हो जाए। इसमें हाथी हैं, घोड़ा है, बहुत अनेक अनेक माने जानवर से, और हम लोग जाएंगे जल यात्रा में बहुत से समूह लेकर, और सब लोगों का भागीदारी है। इस तीनों टोला मोहची का, भरवलिया मोहची घोघा पंचायत का, ये सब लोग हमको आशीर्वाद देंगे, हम लोग इनको आशीर्वाद देंगे। यही तो हमारा जग का माने शुरुआत है, और उसके बाद देखिए आगे क्या क्या हो रहा है। जितना लागत वगत का इसमें कुछ पता चला, कितना लागत लग सकता है? लागत तो अनेक है, बहुत है। हाँ। जग का स्थिति, इस जग में पहला दिन जल यात्रा होगा, दूसरा दिन मंडप पूजा शुरू होगा और वेदी पूजन शुरू होगा, और तीसरा दिन हम लोग जलाभिषेक करेंगे हनुमान जी को, और चौथा दिन अनादि वास करेंगे, पांचवा दिन फलादि वास करेंगे, और छठा दिन वस्त्र आभूषण दिवास करेंगे, और सप्तम दिन प्राण प्रतिष्ठा हम लोग करेंगे। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे मतलब हनुमान जी का मंदिर जो बना है जी, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो हनुमान जी का पहले जो है यहाँ पे मूर्ति नहीं था ना? पहले नहीं मूर्तियाँ था, नहीं था, नहीं था। तो ये कैसे आया कि बैठाया जाए? कभी गांव का समूह हुआ, गांव का सब लोग का माने बहुत खुशी का बात हुआ, सब लोग का माने खुशी हुआ कि हम लोग यहाँ एक सहयोग हुआ, सहयोग राशि मिला, और समाज का
सहयोग हुआ तो हम लोग सोचे कि यहाँ एक प्राण पर एक हनुमत जी का प्राण प्रतिष्ठा और यहाँ राम जानकी मठ है और उनके उनके आगे हनुमान जी का मूर्ति नहीं था नहीं तो हम लोग सोचे थे कि एक हनुमान जी का भी मूर्ति बैठ जाए तो बहुत अच्छा होगा, इस गांव का कल्याण होगा। इसीलिए कि आज कलयुग में हनुमान जी ही प्रत्यक्ष देवता है, कोई भी काम करने के हेतु पहले पहले हनुमान जी को मले चुंदन करते हैं, यही तो है। तो दोस्तों आप लोग को अच्छे तरह से पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो है यज्ञ होने वाला है, हनुमान जी का जो है यहाँ पे मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, 7 मार्च का जो है कलश यात्रा है और आप सब जो है बड़ी से बड़े संख्या में आकर के इस यज्ञ को सफल बनाइए। क्या कहते हैं और गाँव के लोग पूछते हैं कि आप लोग को मतलब यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है हनुमान जी का, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप ही लोग के सहायता से जो ये हो रहा है, बहुत भाग की बात है। क्या कहिएगा और हमारे गांव समाज के जो लोग हैं मदद कर रहे हैं सबको धन्यवाद है यहाँ पे। और जो लोग भी कुछ दान करना चाहते हैं इस वीडियो के ऊपर आप लोग स्कैनर जो है देख पा रहे हैं, आप लोग स्कैन करके पैसा डाल सकते हैं, किसी एक का स्कैनर आप लोग दे दीजिए कि मैं इस वीडियो में स्कैनर लगाता हूँ। जो लोग जो दान करना चाहते हैं 10-20-50 वो जो है दान 1 रुपया दान दाने हैं और 1 लाख रुपया दान दाने हैं, जो जिसको जितना श्रद्धा हो 1-1 अगर रुपया दान करते हैं तो वो भी उसका सहयोग है। कोई 1 रुपया भी दान ही 1 रुपया ही दाने हैं और किसी का अंदर 1 रुपया दान करे वो भी खुशी की बात है। जिस जग में 1 रुपया दान करके वो बहुत बड़ा भाग्यशाली हो सकता है और 1 लाख भी दान करके वो भाग्यशाली बन सकते हैं। जिसको जो अंदर श्रद्धा हो खुशी हो वही दान करे। हम लोग ये दबाव नहीं कि आप इतना ही दीजिए, जी जी दान कीजिए। दान ही धन का कल्याण है जी। धन का 3 ही रूप होता है, 1 नंबर में पहले दान ही आता है और 2रा में भोग होता है और 3रा में धन का नाश होता है। बेतिया राज में इतना बड़ा धन हुआ लेकिन आज दिया बारने वाला कोई नहीं है, वह जमीन देखने वाला कोई नहीं है। और 1 रुपया दान देकर हम इस जग के सहयोगी बन जाए, हमारा पुण्यात्मा के दरवाजा खुल जाए, ये बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। बाकी आप लोग का क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। जितने भी लोग आना चाहते हैं घोघा पंचायत में मोची नैन गाँव पूछ के 9 नंबर 10 नंबर वार्ड जो है वहाँ पर आ सकते हैं। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम।